वीकेंड का वार में अर्चना को दिलाया है सलमान ने इंसाफ। जिस तरीके से साजिद की कैप्टेंसी में अर्चना के कपड़े बाहर फेंके गए थे, जिस तरीके से अर्चना इस बात पर अड़ गई थी कि वो घर के अंदर काम नहीं करेगी, सत्ता परिवर्तन के लिए भी वो तैयार हो गई थी, इन सारी चीजों को लेकर अब सलमान खान ने क्या फैसला सुनाया है? क्या सलमान ने साजिद और अर्चना की लड़ाई के मुद्दे पर साजिद का साथ दिया या फिर अर्चना का? सलमान खान जो अर्चना को घर में वापस लेकर आए, साजिद खान की कैप्टेंसी में अर्चना ने जिस तरीके से अपने तेवर दिखाए उसका बदला लेते हुए साजिद खान ने अर्चना के कपड़े घर से बाहर फेंकवा दिए थे, पर इसके बाद अर्चना रोती हुई भी नजर आई थी और कहती हुई कि अब कोई भी डिजाइनर उन्हें कपड़े भला कैसे देगा। इन सारी चीजों को लेकर अब वीकेंड का वार में सलमान खान ने साजिद की फटकार लगाई है। यहाँ तक कि सलमान ने इन सारी चीजों के लिए शिव निमृत इन दोनों को भी फटकार लगाई। सलमान ने साफ साफ कहा कि शिव जिस तरीके से अर्चना के कपड़े फेंकता हुआ नजर आया, जिस तरीके से उसके बेड को खींचता हुआ नजर आया, ये वाकई में नेशनल टेलीविजन पर काफी गलत दिख रहा था। सलमान ने कहा कि साजिद तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो डायरेक्टर हो, बड़े डायरेक्टर हो, तुम बड़ी बड़ी यूनिट को संभालते हो, ऐसे में 10 लोगों के घर को नहीं संभाल पाए, और अगर तुम्हारे सेट पर कोई काम नहीं करता तो क्या तुम उसके कपड़ों को सामान को ऐसे फेंकवा देते हो? तुमसे वाकई में साजिद ये उम्मीद नहीं थी, तुमने तो नेशनल टेलीविजन पर खुद को शर्मसार कर लिया है, तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम अच्छे लीडर हो ही नहीं सकते। इसके बाद सलमान खान जिस तरीके से भड़क रहे थे, उन्होंने घर के बाकी सदस्यों से भी सवाल पूछा। उन्होंने टीना हो, शालीन हो, प्रियंका हो, उन सभी से कहा कि इन सारे मुद्दों पर आप लोग क्यों और कैसे चुप थे? क्या आप लोगों को ये नहीं लगा कि अर्चना के साथ गलत हो रहा है? तो कहीं ना कहीं साजिद खान को लेकर अब सलमान नाराज हुए हैं। सलमान को ये बात पसंद नहीं आई कि ये बात वो भी जानते हैं कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए कपड़े डिजाइनर भेजता है, तो ऐसे डिजाइनर कपड़ों को आप फेंक रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो किस तरीके से जो अर्चना का डर था वो सही था कि उसको शायद कोई भी आगे जाके कपड़े ना दे। तो अब सलमान ने लगाई है साजिद की फटकार। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।